जी, एक प्रत्याशी के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पर बड़े आरोप लगाए गए हैं कि 2012 में आप पर कोई FIR हुई थी, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं वही कह, सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, सभी दर्शकों को। हाँ, मैं FIR 2012 के अंदर अवश्य हुई थी, लेकिन मैं ये बता दूँ, तत्कालीन समय में उस समय में पार्षद था और हम 12 पार्षदों ने एक नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। आप सबको पता है तब की तो नगर पालिका सेक्रेटरी जो दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर FIR दर्ज कराई थी और वो 2014 के अंदर वो केस खारिज हो चुका है। यानी कि आपका कहना ये है कि वो पहले ही खारिज हो चुका है, लेकिन ये एक चुनावी स्टंट है। वही मैं कह रहा हूँ, ये मंदबुद्धि बच्चा है जो आरोप लगाने वाला, आवारा किस्म का मैं कह सकता हूँ लड़का है ये। सबको पता है इसके चाल चरित्र के बारे में, तो सारे इसके बारे में जानते हैं। आप इससे पूछिए, करता क्या है, क्या काम धंधा है इसका, क्या बिजनेस है इसका, कहाँ से आ रहा है ये सब, मतलब मैं ये सारी बातें वो पता है, यही चीज़ तो वो चाह रहा है। मैं भी एक आवारा बच्चे के खिलाफ कुछ बोलूं और वो हमें चेहरा अपने आपको पॉपुलरिटी बना लें, ऐसा कुछ नहीं। मंदबुद्धि बच्चा है, कुछ भी कह सकता है, इसको पता नहीं है। जब नगर पालिका में आप नामांकन करते हो ना, तब पुलिस की वेरिफिकेशन लगती है और फार्म के अंदर ये सारी डिटेलें होती हैं कि किसके ऊपर FIR दर्ज है, किसके ऊपर नहीं। और सबको पता है कि मैं तो जनता की आवाज़ उठाता था हमेशा नगर पालिका में, जब भ्रष्टाचार हुआ, जब दुकानदारों पर जुल्म किया जा रहा था, रेहड़ी वालों पर जुल्म किया जा रहा था, नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, तब मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। और ऐसे तो कई बार हो जाता है, आप बताइए, नगर पालिका का जो सेक्रेटरी है वो आरोप लगाता है, वही आम जनमानस ने लगाया क्या? और मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है, विजिलेंस जांच तक हो चुकी है, तो सारी चीज़ें क्लियर, सारी जनता को पता है, तो मूर्ख बच्चा है, क्या कहें हम। कल को वोटिंग होने वाली है, जनता से क्या अपील करें? नहीं, जनता को सब पता है, उसके भाई उसके बेटे के सब बारे में पता है। आप ये बताइए, मैं कोई आज चुनाव लड़ रहा हूँ क्या? मैं 2010 में चुनाव लड़ा था, 2010 से मुझे लेकर आज 2022 लग गया, सारे बरवाड़ की शहर की जनता जानती है और जो इस तरह के लोग हैं उनको भी जानती है, भी क्या बिजनेस है, क्या करते हैं, सब जानती है जनता, बरवाड़ा की जनता समझदार है और बरवाड़ा की जनता को सब पता है कहाँ वोट करना है। जो ये कह रहा है, इसके 100 वोट भी आ जाएँ तो मैं यहीं बैठा हूँ, आप देख लेना।